वेलकम बैक गाइज यू आर वॉचिंग विद्यालय ट्वेंटी फोर सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रसिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही आइकन को हिट जरूर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स बिफोर नाइनटीन यानी उन्नीस से पहले यू हुआ करता था यूएसएसआर अब क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ यूएसएसआर था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी कि ये इसको हम शॉर्ट में ये भी बोलते हैं हिंदी भाषा में सोवियत सोवियत संघ या सोवियत यूनियन तो यानी कि इसमें क्या होता था इसमें जो रशिया है रसिया के साथ में पंद्रह कंट्रियों का एक ग्रुप था तो मतलब जब यानी कि इसका विघटन हुआ यानी कि 26 दिसंबर 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो पंद्रह कंट्री नहीं बनी तो ये पंद्रह कंट्री कौन कौन सी हैं वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ तो इनमें कुछ ये कंट्रियाँ पंद्रह के नाम लिखे हैं ये वो कंट्रियाँ थी जैसे रशिया यूक्रेन बेलारूस स्टोनिया लाथुआ लिथुनिया अजरबैजान ये सारी कंट्रियाँ ये जो पंद्रह कंट्रियाँ थी ये उस टाइम यूएसएसआर के विघटन के बाद में अस्तित्व में आई तो इनमें से जो सबसे बड़ी कंट्री थी वो बनी रसिया ये देखो यहाँ पे पॉइंट करता हूँ मैं ये और उसके बाद ये यूक्रेन तो जिसके साथ अभी रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिस का विवाद चल रहा है अभी तो जैसा मैंने आपको अभी बताया जो पंद्रह कंट्रिया अस्तित्व में आई यूएसएसआर का विघटन के बाद तो उनमें से एक कंट्री थी यूक्रेन यूक्रेन अब यूक्रेन और रसिया विवाद क्या है इसको हम एक बार मैप के जरिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं चलिए मैं चलता हूँ मैप की तरफ तो दोस्तों ये देखिए मैं आ चुका हूँ पे अपने और यहाँ पे मैप पे आपको दिखाई दे रहा है देखिए ये यहाँ पे आपको जहाँ पे पॉइंट है ये जितना भी आपको ऑरेंज कलर का एरिया है ये टोटल आपका रसिया का एरिया लगता है और बाकी ये जो ये वाला एरिया है ये यूक्रेन है येलो कलर का जो मैप है ये आपको दिख रहा है ये यूक्रेन का एरिया है और ये यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव ये यूक्रेन की और अब यहाँ इससे नीचे की तरफ आते हैं देखिए इससे नीचे की तरफ आते हैं ये आपको जो दिख रहा है सी ऑफ अजोव ये रसिया और यूक्रेन के बीच में है एक सी ऑफ अजोव और उस इसके बीच का जो हिस्सा है ये है क्रीमिया तो ये दोस्तों अब बात करते हैं 2014 की तो 2014 तक क्या है ये क्रीमिया जो है ये यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था और ये जो सी और रसिया अगर सपोज रसिया यूक्रेन रसिया वालों को यूक्रेन होके यहाँ पे आना है तो वो सीओ अजोव के थ्रू डायरेक्टली क्रीमिया में आ आ सकते थे तो 2014 में भी जैसे अभी रसिया का विवाद चल रहा है ये 2014 से ही विवाद चला आ रहा है तो उस टाइम रशिया ने इस पे अपना कब्जा कर लिया क्रीमिया पे देखिए ये जगह उन्होंने दिखा भी रखे है येलो येलो करके तो इसका मतलब है कि रशिया के अंडर में है अब ये क्रीमिया क्रीमिया का अब, अब कब्जा है तो अब बात करते हैं मेन पॉइंट की आखिर मतलब विवाद क्यों विवाद देखिए दोस्तों किस लिए है अब ये यूक्रेन जो है यूक्रेन कुछ कंट्रीज से नेटो देश हैं नेटो देश में 28 यूरोपियन कंट्रियों का ग्रुप है और दो नॉर्थ अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और अदर एक कंट्री और है उन दोनों का ग्रुप है यानी कि थर्टी देशों का जो ग्रुप है नेटो इनके मतलब इन्होंने प्रेशरइज़ किया या इनके बहकाव में कुछ भी हुआ तो यूक्रेन अब नेटो देशों में मिलना चाहता है इसकी वजह से अब रसिया को ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि ये यूक्रेन है वो नेटो देशों में मिले क्योंकि रसिया को उससे बहुत बड़ा नुकसान है तो अब दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आया होगा अब चलते हैं मैप के नेक्स्ट पार्ट की तरफ ये देखिए मैं आ हूं, अब मैप के दूसरी तरफ देखिए अब यहाँ पे ये यह आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा ये रसिया और ये आपका यूक्रेन तो यहाँ पे मैंने अभी मै, मैप के पिछले वाले हिस्से में बताया कि रसिया ने जो क्रीमिया पे है दो हजार चौदह में कब्जा कर लिया था लेकिन अब चल कॉन्फ्लिक्ट किस बात पे चल रही है अभी का जो एरिया है ये यहाँ पे जो ये लोहानस और दोनास्क तो दोनास्क और लोहानस का एरिया में क्या देखे इन दो इस इन दोनों एरिया ये वैसे तो यूक्रेन का हिस्सा है लेकिन इसमें जो मतलब जाति हैं जो रहने वाले है, लोग हैं वो रसियन मूल के हैं वो बेसिकली चाहते हैं इनडायरेक्टली कह सकते हैं एक तरीके से कि वो रसिया में मिलना चाहते हैं तो रसिया ने एक तरीके से अपना अधिकार इन पर जमा लिया वो अपना अधिकार अभी से बताने लगा है तो अब यूक्रेन चाहता है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए नेटो देशों में मिल जाए ताकि रसिया उस पर कब्जा ना करे लेकिन रसिया चाहता है कि यूरोपियन कंट्री है जो डायरेक्ट अगर यूक्रेन उनके साथ मिल गया तो फिर डायरेक्ट यू यूरोपियन कंट्री है वो सारी रशिया पे अटैक इजीली कर पाएंगी क्योंकि फिर बॉर्डर उसका बहुत नियर बाय हो जाएगा क्योंकि यूरोपियन कंट्री जितनी भी हैं आपको ये सारा जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है देखो ये मैप में ये सारा यूरोपियन कंट्री का एरिया लगता है शायद शायद पिछले वाले मैप पे चलते हैं वहाँ पे सही से दिखाई दे हाँ देखो ये देखिए इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जैसे पोलैंड हो गया सो वाकिया हो गया हंगरी हो गया रोमानिया हो गया तो ये सारा यूरोपियन कंट्रियों का एरिया लगता है और यहाँ पे इसके बीच में ये आपका यूक्रेन फंसा हुआ है तो अब अगर सपोज आप ये यह यहाँ पे खुद ही दिमाग से देखो अगर ये यूक्रेन अब यहाँ पे नेटो देशों में शामिल हो गया तो ऑलरेडी बॉर्डर तो मिला हुआ है यूरोपियन कंट्री से अब यूरोपियन कंट्रियों के लिए यहाँ पे आना उसके आना बहुत इजी हो जाएगा और इसके लिए एक दूसरी बात और भी है कि देखिए ये जो क्रीमिया वाला एरिया है और ये सी जो जो वाला एरिया है यहाँ पे जो नेचुरल थिंग्स हैं लाइक जैसे गैस वगैरह पेट्रोलियम वगैरह तो उनके काफ़ी सारे बहुत सारे भंडार यहाँ पे हैं तो रसिया क्या चाहता है कि हमारे नेचुरल भंडार जो हैं वो हमारे पास रहे लेकिन अब जो यूएसए हैं और नेटो देश हैं वो चाहते हैं कि वो उन पर हमारा अधिकार हो जाए तो इसलिए ये तनातनी चल रही है आपस में और इसीलिए रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो देशों में शामिल हो तो ये देखिए मैप का दूसरा हिस्सा अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये लोहानसक और दोनास्क ये एरिया भी यूक्रेन का है लेकिन ये इनडायरेक्टली जो इसमें रशियन मूल के आदमी रहते हैं लोग रहते हैं वो यहाँ पे मिलना चाहते हैं रसिया में लेकिन इनके साथ भी अभी यहाँ पे विवाद में इसी वजह से ये अभी आगे तक लड़ाई छिड़ी हुई है क्योंकि अभी नेटो देशों ने यूक्रेन को थोड़ा पिन किया कि आप ल, लड़ाई करो युद्ध करो हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं लेकिन जैसी लड़ाई हुई अभी तो कोई साथ नहीं दिखाई दे रहा तो इस वजह से ये विवाद फैला हुआ है यूक्रेन में और रसिया के बीच में तो मैं आई होप अभी तक आपको समझ आया होगा चल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सो दोस्तों आई थिंक दिस इज इनफ इंफॉर्मेशन फॉर द रसिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो देखिए ये यहाँ पे इन्होंने दिया वो अभी है, क्रेमिया वाला एरिया जो है ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दिखाया हुआ अभी है कि बाई इन ट्वेंटी दो हजार चौदह में रसिया ने इस पे कब्जा कर लिया था तो और ये यहाँ पे जो इसका लोहानस मैंने अभी आपको बताया कि ये लोहानसक और दोन का जो एरिया है ये क्या है ये पहले से मतलब रसिया के ही मूल निवासी थे ये यूक्रेन भी और रसिया भी आपस में मिला हुआ था लेकिन ये जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ तो ये अलग हो गए और ये अलग हो गए तो लेकिन ये चाहते हैं कि ये अभी भी रशिया में मिल जाए तो यहाँ पे देखिए ये इनको दिखाया भी हुआ है कि इसको बोलते हैं सेपरेटिस्ट हेल्प एरिया ऑफ द इन्होने देख यहाँ पे इस मैप में इसको दिखाया भी गया देखिए जहाँ पे मेरा घूम रहा है यहाँ पे आपको दिखाई देगा तो आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी तो ये वीडियो कैसी लगी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर अ नाइस डे